सो गाइस फाइनली हम आपको लेके आ चुके हैं न्यू गांव में, जो कि पहाड़ों के सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में है। इसके ऊपर कोई पहाड़ नहीं है, ये लास्ट पहाड़ है। और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, स्पेशली आप सामने देख पाएंगे न्यू गांव। और यहाँ से मैं आपको गांव का व्यू दिखा रहा हूँ। सामने आप जो मंदिर देख रहे हैं, ये है जगन्नाथपुरी जाग देवता। और इनका एक मंदिर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी है, वहाँ पे भी ये काफी प्रसिद्ध देवता हैं। और बहुत ही प्यारे प्यारे लोग यहाँ पे रहते हैं। और थोड़ा आउटसाइड में है, मतलब ये जो है ना टिहरी और उत्तरकाशी के बॉर्डर के बीच में ये गांव पड़ता है। और थोड़ा संसाधन की कमी यहाँ पे है और थोड़ा डेवलपमेंट की भी कमी है यहाँ पे। तो आई होप गवर्नमेंट को भी जो टॉप के पहाड़ी एरिया में जो गांव रहते हैं ना, वहाँ पे जो है विकास कार्य पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये हमारे जाग जगन्नाथ मंदिर है जी, जिसका की साल में भी इसका इनका एक दिव्य मंदिर है। मानते हैं कि जगन्नाथपुरी में है, इसका साक्षात मंदिर है, जहाँ कृष्ण भगवान ने साक्षात दर्शन दिए थे, उन्हीं का अंश ये हमारी ग्राम सभा में है। क्षेत्रवासी इस मंदिर को, इस देवता को बहुत मानते हैं। और इसका प्राचीन इतिहास है कि जो लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। उत्तरकाशी का सबसे अंतिम गांव है, जो कि टिहरी सीमा पे लगा हुआ गांव है जी, जिस कारण यहाँ इसका थोड़ा देश विदेश में प्रचलन कम है, लेकिन अन्य जगह इसके महत्व बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और एक बार कोई इसका दर्शन कर ले जगन्नाथ देवता का, तो उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, सारी मनोकामना पूरी हो जाती है जी। तो आज हम भी यहाँ पे जो है अभी मंदिर के प्रांगण में भी आपको लेके चलेंगे, क्योंकि हम भी यहाँ पे आज भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आए हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे मामा जी का घर भी है, तो उनके घर में भी अभी थोड़ा विजिट करेंगे। और वहाँ पे भी हमारे जो पहाड़ी यहाँ पे प्यारे प्यारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप इंट्रोडक्शन कराओ, कौन कौन है? दीदी है। अच्छा, दीदी हो गए। अच्छा, मेरी दोस्त है। अच्छा, दीदी है आपकी, जठोजी है। जठोजी नमस्ते करो। और खुश रहो। और इधर साइड, उत्तरकाशी वाले हैं ये। हाँ जी, हाँ जी। और मम्मी आए हैं। हाँ जी, हाँ जी, उनको हम ये आपकी सासू जी है। हाँ जी नमस्ते। ये देखो बच्चे, नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नमस्ते जी, जी नमस्ते। और यहाँ पे है आज देवताओं का सम्मेलन, देवताओं को यहाँ पे नचाया जाएगा। और बहुत ही पुरानी परंपरा है हमारी पहाड़ों की। अभी दोस्तों निशान आ गए हैं देवताओं के बाहर, और यहाँ पे ढोल और यहाँ पे चालू है। और अभी आपको यहाँ पे बहुत सुंदर दृश्य देवी देवताओं का देखने को मिलने वाला है। जय हो जाग देवता।
अभी दोस्तों हम चलते हैं सीधे सामने भगवान जाग देवता के मंदिर प्रांगण में, और हमने जो है ना भाई दुकान से ये जो सिरपल है ले लिया है, और साथ में पहाड़न जी यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं हमारा। हाँ जी चलिए आगे, कैसा लग रहा आपको अपना नानी गांव? बहुत अच्छा लग रहा। बहुत अच्छा मजा आ रहा है, बहुत है। कितने साल बाद आए आप? आते रहते हो, वेरी गुड, आना चाहिए। तो मैं भी फर्स्ट टाइम जो है विजिट कर रहा हूँ यहाँ पे सामने जो मंदिर है, और यहाँ पे गांव के लोग भी हैं बहुत सारे जो कि यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं अपनी महफिल में। और सामने जाके हम एक व्यू आपको इस प्यारे से गांव का भी दिखाएंगे, और साथ ही साथ में आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, और आप सभी जो है कहाँ कहाँ से हमारे व्लॉग्स को देख रहे हैं वो भी आप कमेंट करते जाइए। और ये है गांव की गलियां जहाँ पे कि हर एक पहाड़ी का बसवन गुजरा है, और मंदिर प्रांगण का जो रास्ता है वो यहाँ से, और यहाँ से मैं आपको सामने से नज़ारा दिखाता हूँ। देखिए कितना प्यारा गांव है, ये देखिए बहुत सुंदर। आगे चलते हैं इधर साइड, तो शायद यहाँ पे थोड़ा मकान का काम चल रहा है। क्या बोल रहे हो? जमाने का मकान था, अब नए तरीके से निकाल रहे। ये देखिए पुराने जमाने का मकान था, बोला नए मॉडल में बनाया जा रहा है ना, बहुत ही प्यारा सुंदर। ये देखिए आप यहाँ से एंट्री करेंगे हम, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं। चाबी यहाँ पे, मंदिर की चाबी यहाँ रहती है? हाँ। अच्छा ये देखिए, तो आप जब भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए आएंगे तो भाई चाबी लेना मत भूलना यहाँ पे। और इधर साइड से हम आपको एक नजारा दिखाते हैं गांव का, देखिए आप यहां से देखिए कितना प्यारा लग रहा है। कमेंट जरूर करिएगा और शेयर भी वीडियो को करते जाइएगा आप। देखिए सुंदर सा गांव पहाड़ों की वादियों में बसा हुआ, ये देखिए आप ये वादियां देखिए कितनी प्यारी वादियां हैं। कुछ घर जो है सामने भी है इधर साइड, और कुछ सामने इधर इधर भी है। तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ, और यहाँ मंदिर पे हम पहुंच चुके हैं फाइनली, और अनुपा वहां पे चाबी खोल रही है गेट की। चलिए आगे चलते हैं। जय हो भैरवनाथ की, जय हो जाग देवता की। तो हमारे जो कुल देवता, हमारे इष्ट देवता भैरव हैं, और यहाँ पे जो ग्रामवासी हैं इनके जो मेन देवता हैं वो जाग देवता है। जय हो जाग देवता। और कमेंट बॉक्स में आप जो है भगवान जाग देवता का आशीर्वाद जरूर लें, क्यों जी? बिल्कुल, ये आप पकड़ो इसको। हाँ हाँ साथ में आइए आप आगे। जय हो, वाव अमेजिंग। यहाँ पे जो है हवन के लिए करने के लिए यहाँ पे बना रखा है, बहुत ही सुंदर। और इधर साइड में देखिए आप, यहाँ से एक नजारा दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए। और ये देखिए आप कुछ घर इधर भी हैं, और इससे ऊपर जो है एक गांव और है जो कि इस गांव का नाम मुझे पता नहीं है। तो अभी हमारी पहाड़न जो है गेट को खोलेंगे, बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे हमारे भोलेनाथ भी हैं, और साथ साथ में माता पार्वती, और इधर साइड में है भगवान विष्णु, और यहाँ पे माँ दुर्गा भी है, जय माँ दुर्गा। और अभी हम यहाँ पे थोड़ा सिरपल, और यहाँ पे हमारे शिवलिंग भी हैं, जय भोलेनाथ नंदी महाराज, आपकी कृपा बनी रही सभी भक्तों पे।